रिमेटोलॉजी का मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैप्लान से कर लो या स्टेप अप से कर लो, ठीक है, या MTB अगर कोई कर रहा है, या इरफान मसूद कर रहा है, तो वहां से आप कर लो। यहाँ पे बड़ी डिटेल में लिखा हुआ, फिर भी मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ जिसमें से आएगा। इसमें से ऑलमोस्ट हर टॉपिक में से ना क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में से क्वेश्चन आया हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में से आया हुआ है, गाउट में से आया हुआ है, सुडो गाउट में से आया हुआ है, SLE में से आया हुआ है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में से आया हुआ है, जो आपकी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसके अंदर से आया हुआ है, तो इन सारों में से आया हुआ है। और इसका क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, आप बड़ा इजीली उसको पिकअप कर सकते हो। इसके ऊपर भी अगेन रिमेटोलॉजी पे जो है वीडियोज़ हैं कि आपने डायग्नोज कैसे करना है, एटलीस्ट डायग्नोसिस आपका मिस नहीं होगा अगर आप वो देख लोगे। चैनल नेम सेम, मेडिकोज रिपब्लिक, जिसके ऊपर ये वीडियो भी शायद जाए, ठीक है। रिएक्टिव आर्थराइटिस है, रीटर्स आर्थराइटिस जिसमें आपने पढ़ा होगा, कैंट सी, कैंट पी, कैंट क्लाइमेट्री, यानी उसमें कैंट सी यूथराइटिस होता है, कैंट पी सॉरी यूवियाइटिस होता है, यूरिथराइटिस होता है, और कैंट क्लाइमेट्री आर्थराइटिस होता है, ठीक है। क्लेमीडिया के इन्फेक्शन के साथ होता है, HLA के साथ एसोसिएटेड होता है, B27 है शायद, तो ये वाली सारी चीज़ें, हाँ B27 ही है, ये आपने याद करना है, ठीक है। SLE का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 out of 11, और उसका निमोनिक है सोप ब्रेन MD। शायद दोबारा मौका ना मिले, मेरी हाउस जब स्टार्ट हो जाए तो सोप ब्रेन MD, इसका ना आप गूगल कर लेना, इसको आपको डिटेल आ जाएंगे। ये 11 क्राइटेरिया है, इसमें से 4 आपके होने चाहिए तो आप डायग्नोज आपका SLE हो जाता है। अच्छा ठीक है, इसकी आपने तकरीबन सारे टॉपिक्स की में से डायग्नोसिस आया हुआ है और आपको करने की यहाँ से जरूरत नहीं है। इस तरह आप बोन्स में चले जाओ, ये तो था जॉइंट्स का ना, पेन वगैरह, जॉइंट आर्थराइटिस थे सारे, और बोन्स में जाओ तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आया इसमें से कभी। पेजिश डिजीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, और जो इसका फाइब्रोमायल्जियास और मायोसाइटिस, डर्माटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस जो है, इसमें से आपके MCQs आते हैं, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स को आपने MCQs के लिहाज से करना है। स्टेप अप मैंने स्टेप अप से किए थे, मैं रिकमेंड करूंगा आप भी वहीं से करो, तो इसको आप देख लेना। एक क्वेश्चन आएगा आपको रिमेटोलॉजी में से और बड़ा इजीली कवर हो जाता है। आगे है CNS, CNS का जो आपका SCQs में आता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आती है, और जो आपका क्लिनिकल नॉलेज है CNS का वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने वार्ड लिया था न्यूरोलॉजी का या मेडिसिन का भी लिया था, अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, और आपने CNS के पेशेंट देखा, तो आपको पता होगा उनका बिल्कुल अलग तरीके से आपको सारा करना होता है, ठीक है, मोटर सिस्टम का एग्जामिनेशन, सेंसरी सिस्टम का एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे जो डिजीज आप पढ़ोगे वो बड़ी हाई फाई डिजीज होंगी, इसमें हम अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले कर लेना वो बेड साइड, और इसको साथ साथ पढ़ना CNS की, CBS की भी मैंने आपको बताई थी, और दूसरी मैं आपको CNS की बता रहा हूँ कि इसकी बेड साइड और यहाँ से इकट्ठे इकट्ठे पढ़ना। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको पता हो मेजर मेजर के मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम कैसे होता है, जो आपने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी थी, और सारी ब्रह्म का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, बीच में जो बेजल गैंग्लिया होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई कहाँ पे पड़े होते हैं, कौन सा किसका डैमेज होता है, कहाँ किस पार्ट ऑफ ब्रेन से कौन से क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती हैं, सेरिबेलम के क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन टेस्ट कैसे, ये वाली सारी चीज़ें ना अब मुश्किल लगेंगी आपको, लेकिन एंड तक आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मेजर मेजर उसके फंक्शंस पता हूँ आपको सब पार्ट ऑफ ब्रेन के। उसके बाद आप आ जाओ 1072 पे, जो इसका ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें खास तौर पे जो वेबर सिंड्रोम है, इसमें क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होता है, तो ये वेबर सिंड्रोम हमें आया हुआ था MCQs में, और ये आपको वैसे वाइवा में भी आएगा, ठीक है। हेमिप्लेजिया वाले तो आएंगे, सी भी है जिनको स्ट्रोक हुआ है और उनको हेमिप्लेजिया हो गया, पॉलिज जिसको कहते हैं उर्दू में, वो हो गया, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स आपने कर लेने, इसमें बाकियों के तो डिटेल नहीं करनी है आपने, लेकिन वेबर सिंड्रोम की आपने डिटेल करनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, इसमें से कुछ यहाँ से करने की जरूरत नहीं है आपको, बेड साइड से आपको जिस तरह बताया आपने वैसे कर लेना है वहां से। उसके बाद आगे है, मैंने आपको बताया था ना हर एक चैप्टर की मेजर मेजर एक दो इन्वेस्टिगेशन है, उस यहाँ पे लंबा पंक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं लंबा पंक्चर, क्या उसके प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, क्या उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है उसकी, और
रिजल्ट जब आ जाएगा आपके पास तो कैसे इंटरप्रेट आपने इसको करना है, कौन कौन सी डिजीज है, ये आपका बना हुआ है 1078 पे, यहाँ पे तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, ये आपने कर लेनी है ठीक है। बाकी भी जो आपको बताया वो आपके इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे आप आ जाओ, फेशियल पेन आपने करना है 1080 पे, स्टेटस एपिलेप्टिकस करना है, उसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है टेबल के अंदर 25.12 में, ये अच्छे तरीके से करना है, बार बार रिपीट हुआ भाई आपका। इसके बाद आपने अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन का है ये, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के डिफरेंसेस हैं 25.13 में, ये आपने कर लेने ठीक है। आगे आ जाओ तो ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ जो कि कॉर्ड लीजन्स होंगी, ये लोकलाइजेशन ऑफ लीजन है ये ठीक है, कि किस पार्ट ऑफ मोटर सिस्टम पे लीजन होगा तो किस तरह की वीकनेस होगी, कब हेमिप्लेजिया होगा, कब पैराप्लेजिया होगा, कब क्वाड्रिप्लेजिया होगा ठीक है, कब साथ फेशियल वीकनेस भी होगी, फेशियल नर्व वाली, कब अपर पार्ट ऑफ फेस होगा, कब ये वाली सारी चीजें लोकलाइजेशन ऑफ नर्व लीजन है। ये आपके एसईक्यू के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको करनी पड़ेगी, वायवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से। अच्छा आगे ये सारी एबनॉर्मल स्पीच गेट ये वही हैं सारी चीज़ें, ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्रैनियल नर्व्स का आपको पता है कि कैसे टेस्ट करते हैं, वो सारा प्रीवियस नॉलेज यहाँ से करने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आ जाओ आप 1094 पे, इसके ऊपर जो एटॉनिक और हाइपरटॉनिक ब्लैडर लिखा हुआ है ना, ये आपने करना है ठीक हो गया। हेडेक सिंड्रोम्स इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें से जो आपको बार बार आता है वो आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि माइग्रेन है कि क्लस्टर हेडेक है, तो ये दो तो आपने अच्छे तरीके से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इनमें से निकाल के कि माइग्रेन में क्या होता है, कब माइग्रेन होगा, कब क्लस्टर हेडेक होगा, ये आपने करना है। बाकी टेंशन टाइप हेडेक पता है आपको सबको ही है ये आज, तो ये कर लेना है आपने। और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इसका आया हुआ है आपका ट्रीटमेंट, ये भी आपने करना है, बाकी नहीं करना है इसमें से। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी पीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ना आपने कैसे करना है, पैथोफिजियोलॉजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लिनिकल फीचर्स करने हैं, खासतौर पर जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक फिट्स आपको पता हो कि कैसे होते हैं, और जब वो क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर कैसे डिस्क्राइब करेगा जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक फिट्स को, जब आप आस पेपर के सिनेरियोस देखोगे तो ये आपको पता लग जाएगा, ये आपने करना है। एब्सेंस सीजर, ये बाकी सारी टाइप्स आपने याद कर लेनी है, ये टेबल इसने दिया हुआ है, जनरलाइज सीजर्स होते हैं, फोकल, अननोन, ये सारी मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। कॉजेज ऑफ फोकल सीजर्स हैं, इसका आपने निमोनिक देख लेना है, विटामिन इसका निमोनिक है, बी से वास्कुलर है, आई से इन्फेक्शन है, टी से ट्रॉमा ट्यूमर है, इस तरह है ये ठीक है, तो ये भी आपने ढूंढ के कर लेने कॉजेज ऑफ सीजर्स जो है। अच्छा उसके बाद ये आगे कौन सा टेबल आपने करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिलेप्सी का टेबल करना है, इंडिकेशन ऑफ ब्रेन इमेजिंग का टेबल करना है आपने, हाउ टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड ये आपने करना है, आउटकम अगर बहुत अच्छा पढ़ते हो आप तो ये कर लेना, अदरवाइज की एमसीक्यू में शायद आ जाए कभी, वरना इंपॉर्टेंट नहीं। मैनेजमेंट वाले टेबल्स जो है ना, गाइडलाइंस फॉर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी और गाइडलाइंस फॉर चॉइस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक, खासतौर पर फर्स्ट लाइन ड्रग्स आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए ठीक है, कौन से सीजर में कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग लगेगी, और स्टेटस एपिलेप्टिकस अगर हो गया है, सीजर्स हो रहे हैं ख़त्म नहीं हो रहे ठीक है, कॉन्टीन्यूस हैं, या सीजर्स तो ख़त्म होते हैं लेकिन बंदा कॉन्शियस नहीं होता बिटवीन सीजर्स, तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस है, उसमें कौन सी ड्रग पहले देनी है, फिर कौन सी देनी है, फिर कौन सी देनी है, कब उसको जनरल एनेस्थीसिया में डाल देना है पेशेंट को, फिट्स क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहे तो एनेस्थीसिया में डाल दोगे आप उसको, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए, कब आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स छुड़वानी है और कैसे छुड़वानी है ठीक है, कितना पीरियड है, 2 साल का है उसमें शायद, और किस तरह आपने छुड़वानी है, और प्रेगनेंसी में किस तरह आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देनी है और चेंज करनी है या नहीं करनी, क्योंकि होती हैं जो इसका सोडियम वैलप्रोएट है, आई थिंक वो है टेराटोजेनिक है, तो ये चीज़ आपको, लेकिन आप छुड़वा नहीं सकते क्योंकि फिट्स पड़ेंगे, तो फिट्स ज़्यादा हार्मफुल है बेबी के लिए एज़ कम्पेयर टू जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आप दे रहे हो ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं उनकी डोज आपने इंक्रीज करनी होती है विद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। एपिलेप्सी A to Z ऐसा टॉपिक है जो आपको सारा पता होना चाहिए।
सात स्टेटस एपिलेप्टिकस वो हम पीछे कवर कर चुके हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने करना है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ना आपने ज्यादा जो फोकस करना है वो इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट में करनी है। ऐसा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को बस आपने रीड करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ट्रीटमेंट आपने इसका याद कर लेना है। ट्रीटमेंट के लिए टेबल इन्होंने दिया हुआ है, जो डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट है इसका, एजेंट्स हैं वो आपने याद करने, क्राइटेरिया मेरा शायद। हाँ ठीक है। और जो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके अलग अलग ट्रीटमेंट है। ये मैं आपको डिफरेंट सेशंस में, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो बताता जाऊँगा कि किस तरह आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी होती हैं, किस तरह आपने ट्रीटमेंट लिखना होता है। ट्रीटमेंट लिखते हुए आपने एक जनरल ट्रीटमेंट लिखना होता है, फिर उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट लिखना होता है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनके अलग अलग ट्रीटमेंट आपने लिखने होते हैं। इस तरह आपने अपना जो है ना वो सारा भरना होता है सब कुछ, ताकि वो कहीं से भी आपका कुछ भी निकल ना सके। ट्रांसवर्स माइलाइटिस रीड करना है आपने, बाकी बीच में कुछ नहीं करना है इसमें। पार्किंसंस करना है पूरा आपने, अदर पार्किंसन सिंड्रोम के नेम्स करने हैं, ठीक है। एक होता है इडियोपैथिक पार्किंसंस, वो तो आप पूरा डिटेल के साथ कर रहे हो, बाकी अदर टाइप्स के पार्किंसन भी होते हैं जो जिनके और कॉजेज होते हैं। तो इडियोपैथिक विदाउट एनी नाउन कॉज होता है ना, तो बाकी जो डिफरेंट कॉजेस की वजह से हैं उनके आपने नेम सिर्फ कर लेने। ट्रेमर डिसऑर्डर में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एसेंशियल ट्रेमर अल्कोहल से ठीक हो जाता है, मतलब इम्प्रूव हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं करना आपने। मोटर न्यूरॉन डिजीज पूरी करनी है आपने, इनकी सब टाइप्स के नेम दिए हुए हैं आपने, नेम करने हैं और क्लिनिकल फीचर्स तो वैसे जस्ट रीड करोगे। और ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, स्टीरॉइड्स और राइलोजोल है, तो ये आपने करनी है। मेनिनजाइटिस, जिस तरह निमोनिया है, टीबी है, इस तरह मेनिनजाइटिस है। मेनिनजाइटिस से आपकी जान ना पीड्स में छुड़ेगी ना मेडिसिन में छुड़ेगी, इसको आपने ए टू जी हर चीज याद करनी है। जिस तरह आपको बताया था ना, आपने कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद करने, अकॉर्डिंग टू एज करने हैं, यूनिट्स में क्या है, चाइल्ड में क्या है, एडल्ट में क्या है, या यंग यंग और ओल्ड में क्या क्या कॉजेज है। ट्रीटमेंट करना है, कॉम्प्लिकेशंस करनी है, कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और लंबार पंक्चर के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिनजाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कि ये बैक्टीरियल है, एसेप्टिक है जिसको वायरल भी कहते हैं, या ये ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपने ए टू जी सारा कुछ करना है इसका। इसके बाद वायरल इनकेफलाइटिस दिया हुआ है इधर, ये आपने करना है पीट से, वायरल इनकेफलाइटिस और गियान बरे सिंड्रोम, यह आपने पीड्स से करना है, और पोलियो भी, ये तीन चीजें आपने पीड्स में करनी है। पोलियो, गियान बरे सिंड्रोम, ये दोनों साथ में आएंगे, दोनों एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। रेबीज है, जितना एक यहाँ लिखा हुआ है आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने इसकी इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए आपको, जो आपको ऑलरेडी पता होगा कम्युनिटी, अगर आपने अच्छी पढ़ी है तो। सेरेब्रल एब्सेस या ब्रेन एब्सेस, ये आप यहाँ से कर लो या पीठ से कर लो, कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है ये। और ये डीडी बनता है स्ट्रोक का, ठीक है। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो उसको भी हेमिप्लेजिया होगा, और अगर किसी को ब्रेन एब्सेस है तो उसको भी हेमिप्लेजिया हो सकता है, या हाफ साइड ऑफ द बॉडी के साइन हो सकते हैं। तो ये मेरा क्योंकि लॉन्ग केस था इस वजह से मुझे याद है, तो ये हो जाएगा टेटनेस। वो ये बात है रेबीज वाली, टेटनेस का उतना आपको ऑलरेडी पता होगा जितना यहाँ लिखा है, टेबल कर लेना ज्यादा से ज्यादा, और इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी कोई। ट्रीटमेंट ऑफ टेटनेस करना है आपने, बस डायग्नोज आप कर लोगे टेटनेस को। ट्यूमर्स में से कुछ भी नहीं करना, अगर आप करना चाहो तो एकॉस्टिक न्यूरोमा कर लेना। हाइड्रोकेफलस करना है, पीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि वहीं से करो ये। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस की कॉजेस, नॉन कम्युनिकेटिंग की कॉजेस, ट्रीटमेंट क्या है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, बस ठीक है। इससे आगे इस चैप्टर में मायस्थीनिया ग्रेविस और गियान ब्रे मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने गियान ब्रे वहाँ से करना है, मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन जो है ये आपने यहाँ से कर लेना है। और जो वो थी बच्चों में होती है ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेकर डिस्ट्रॉफी ना, ये आपने पीड से कर लेनी है, आपकी मेडिसिन के अंदर भी आ सकती है। उसके अलावा आपने जो एमसीक्यूज आपके आएंगे,
नर्व्स से रिलेटेड, ठीक है, मतलब वो आएंगे आपके क्लिनिकल टाइप के, कि अगर मीडियन नर्व डैमेज हो गई है तो क्या होगा, या अगर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो कौन सी नर्व डैमेज हुई हुई है, ठीक है। वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ के भुला चुके होगे अब तक, और एनाटॉमी में पढ़ी होगी, वो सारी अब आपको दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करनी पड़ेगी, तब आपके एमसीक्यूज इसके अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था ये ना एसईक्यूज में बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और वाइवा और एमसीक्यूज के लिहाज से इसमें अलग चीज़ें। तो वो क्लिनिकल नॉलेज जो आपका है वो सारा आपका एमसीक्यूज में चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सीएनएस में आपके स्ट्रोक वाला चैप्टर भी आता है, ठीक है। स्ट्रोक का आपने क्या करना है, स्ट्रोक आपके होते हैं दो टाइप्स के, ठीक है। उस तरह आर्टेरियल स्ट्रोक जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। सबसे पहले आपने इनको डिफ्रेंशिएट करना है सीटी करवा के, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि जो हेमरेजिक का में कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो आप इस्कीमिक के ट्रीटमेंट में दे रहे होते हो, तो आपको पता होगा तो आप करोगे ट्रीटमेंट, तो सीटी स्कैनिंग करवाना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपने इसमें से स्ट्रोक वाले चैप्टर को आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लॉन्ग केस भी आता है सीबीए का, लॉन्ग केस के पेशेंट आपके वार्ड में एडमिट होते हैं। इसी तरह इसका सीटी स्कैन आता है आपके ओएसपी में, बहुत इजी होता है, उसमें वाइट उसमें इंफॉक्शन आपको नजर आ रही होती है, या अगर इंट्राक्रैनियल ब्लीड है तो वो वाइट हाइपर डेंस लीजन आपको नजर आ रही होती है उसके अंदर। ये सारी चीजें आपको वक्त के साथ साथ जब आप देखते जाओगे आपको आती जाएंगी, अभी आपको कुछ भी शायद मुश्किल ही समझ आ रहा होगा। मैं आपके लेवल पे तब मुझे समझ नहीं आता था, अब ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हो तो कह नहीं सकते कुछ, ठीक है। सीएनएस हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास रह गया है, क्या रह गया, अच्छा सारे टॉपिक्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो जो लोग अभी यहाँ लाइव हो वो भी बता दो, बाकी अगर ये यूट्यूब पे गया तो आप कमेंट सेक्शन में जो बता देना, हम आप कौन से कर देंगे।